और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। यूपी के 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों को एक बड़ी राहत यहां पर मिली है। फिलहाल 2004 के कानून के तहत चलती रहेगी मदरसों में पढ़ाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। मदरसा एक्ट को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब भी मांगा है। जुलाई के दूसरे हफ्ते में अब सुनवाई होगी, तब तक हाईकोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। तो बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से यहां पर सामने आई है। आशीष भार्गव सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे, हमारे सहयोगी, सीधा उनका रुख करते हैं। आशीष, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई है, क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला? यूपी सरकार से भी जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, और किस तरह से मदरसे में पढ़ रहे बच्चों के लिए ये राहत है? जी देखिए, मार्च के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, लखनऊ बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया था, और उन्होंने 2004 का जो यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट था उसको असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये कहना था कि ये जो एक्ट है, ये जो कानून है 2004 का, ये यूपी सरकार ने जो उस समय बनाया था, तत्कालीन सरकार ने, ये जो है धर्मनिरपेक्षता का जो अधिकार, जो धर्मनिरपेक्षता का जो एक कॉन्सेप्ट है, सिद्धांत है, उसका उसके खिलाफ है, और ऐसे में ये पूरे एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। तो यहाँ पर यूपी मदरसा बोर्ड की तरफ से भी लोग आए थे, बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे, इस फैसले को चुनौती दी थी। करीब डेढ़ घंटे तक इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच में चलती रही। लगातार सब लोगों ने दलीलें दी कि 17 लाख बच्चे पढ़ते हैं, 16,000 मदरसे हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इन मदरसों में सिर्फ धार्मिक शिक्षा दी जाती है, इसमें मैथ्स जैसी शिक्षा है, गणित जैसी शिक्षा है, विज्ञान जैसी शिक्षा है, तमाम शिक्षा इसमें दी जाती है। और अगर इस एक्ट पर रोक नहीं लगाई गई तो 17 लाख बच्चों को अलग अलग स्कूलों में यूपी में भर्ती कराना पड़ेगा, और ये जो है उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ भी है, ये बात कही गई थी। यहाँ पर यूपी सरकार का दिलचस्प एक चीज़ ये देखने को मिली कि यूपी सरकार ने यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन किया, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो कानून का बचाव कर रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात यूपी सरकार के सामने उठाई, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना बड़ा फैसला लिखवाया है और अंतरिम रोक लगा दी है इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर। इसके सीधे सीधे मायने ये हैं कि 2000 एक्ट के तहत जैसे मदरसों में पहले पढ़ाई चलती रहती थी, उसी तरीके से 16,000 जो यूपी में मदरसे हैं उनमें 17 लाख बच्चे उसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक रहेगी। यूपी सरकार, केंद्र सरकार, यूपी मदरसा बोर्ड, इन सब को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है 31 मई तक, और इसके बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी अपने आदेश में की है और कहा है कि पहली नजर में हम मानते हैं कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सही नहीं था, उसका ये मानना गलत था कि ये जो एक्ट है, ये जो कानून है, वो जो है वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को इस तरीके से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। तो एक बड़ा मामला है, बड़ा दखल है सुप्रीम कोर्ट का, और यूपी के जो मदरसे हैं और उनमें पढ़ने वाले छात्र हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट का, बहुत बड़ी राहत है। 17 लाख छात्रों के लिए एक बड़ी राहत है, 16,000 मदरसे जो यूपी में वो बच्चे पढ़ रहे थे उनके लिए राहत है, क्योंकि यूपी मदरसा एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना यह बड़ा फैसला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।